नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आपके साथ मैं ज्योति वर्मा। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां पतंजलि पदार्थ और फूड पार्क के पूर्व सीईओ सुनील कुमार पात्रा को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, सुनील कुमार पिछले 1.5 सालों से फर्जीवाड़े के आरोप में फरार चल रहा था, जिसको आज पुलिस ने धर दबोचा है। आइए देखते हैं हमारी। पतंजलि में फर्जीवाड़ा कर बाहर किए गए पदार्थ फूड पार्क के पूर्व सीईओ सुनील कुमार पात्रा पर आरोप है कि उन्होंने 26 लाख के फर्जी चेक देकर एक प्रॉपर्टी डीलर से फ्लैट अपने नाम करा लिया था, लेकिन उसके बाद से वो फरार हो गया। डीलर मनीष चावला का कहना है कि इस संबंध में 1.5 साल पहले कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन तभी से वह फरार चल रहा था। उनके द्वारा दिए गए तमाम चेक भी बाउंस हो गए। पुलिस ने इसलिए पकड़ा क्योंकि मैंने कोई नालायक लोगों को पैसा दे दिया था, और उसके बाद मकान खरीदने का तय हुआ और मैं चेक दे दिया गुटभेद में। पता चला मकान उसका है ही नहीं, मकान दूसरे का है, तो मैंने बैंक लोन लेके मकान ले लिया। तो मकान लेने के बाद ये हमसे पैसा मांगे, और पैसा मांगने के बाद मैंने तेरे से क्या पैसा चाहिए, तो कमीशन ले ले ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं 1 लाख रुपया कमीशन भी दिया उसको, लेकिन उसको 26 लाख का बेईमानी करना है। तो लोकल कांग्रेसी लीडर से मिलके एक रचना किया, चेक बना दिया, मैं चेक दे दिया गुटपेत में, वो चेक को प्रेजेंट कर दिया मेरा पुराना एड्रेस में, जहाँ मैं रहता ही नहीं था। चेक चला गया बाउंस होके, मैं बोला मैं पैसा नहीं दूंगा तेरे को, तो फिर भी चेक डाल दिया मेरे को बिना बोले। नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा वो चेक लगाएगा नहीं, और मैंने को पता ही नहीं लगा चेक लगा। जब नहीं किया इसलिए क्योंकि वो मामला आपस में निपट गया, प्रेसिडेंट एंड सीईओ था ये इसका जो फैक्ट्री है ना पदार्थ में, निकाला नहीं गया। मैंने उनके साथ ये चर्चा किया कि भाई जिस मकसद में मैंने इधर आया है लोगों सेवा करने के लिए, वो सेवा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बाबा के साथ मेरा कुछ मनमालिन्य हो गया। तो बाबा ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा सवाल करना तुम्हारे लिए बेमतलब है, तो इसलिए उन्होंने कोई साजिश बना के वो निकाल दिया। मैं चला गया क्योंकि मैं चाहता था निकालना, मैं शरीफ आदमी हूँ और ऐसे बेईमान आदमी का देश है तो मैं क्या करूँ, तो मैं उसी के लिए फाइट कर रहा हूँ और क्या करूँगा। तो क्योंकि जहाँ जहाँ ऐसे बेईमानी देखा मैं उससे सिर नीचा नहीं किया। वैसा ये जो पात्रा जी हैं, मैं इनके यहाँ किराए पर रहता था मीना इंक्लेव में, और इनके मेरे संबंध थे। तो इन्होंने एक मकान की रजिस्ट्री करानी थी, पीछे हमारे पीछे एक फ्लैट ले रखा था ऑफिस के पीछे ही, तो उसकी रजिस्ट्री के टाइम पे इन्होंने मेरे को ये कहा कि भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है और आप मेरे को कहीं से अरेंज करा दो। तो मैंने अपने यारों दोस्तों से इधर उधर से इनको 26 लाख रुपए अरेंज करा के दिए और इनकी रजिस्ट्री करवा दी, फ्लैट इन्हीं के पास है। और इसके एवज में इन्होंने मेरे को 2 चेक दे दिए, एक 21 लाख रुपये का, एक 5 लाख रुपये का। कई बार इनको मैंने फ़ोन करा कि अंकल पैसे की ज़रूरत है, मैंने भी भाई यारों दोस्तों से लेके दे रखे थे, तो इन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया क्योंकि रजिस्ट्री इनके नाम हो चुकी थी। और उसके बाद फिर मैंने 138 महीने का मुकदमा दर्ज, चेक लगाया, चेक बाउंस हो गए, 138 महीने का मुकदमा दर्ज करा। उसके बाद इन्होंने कोई नोटिस रिसीव नहीं करा और अब पुलिस ने इनको NBW में अरेस्ट। ये पहले पतंजलि में CEO थे, पतंजलि उसमें बाबा रामदेव जी के यहाँ CEO थे ये। वहाँ पे भी कुछ सुनने में आया था कि इनको वहाँ से निकाला गया है, लगभग 2014 की बात है। वैसे 1.5 साल से तो मैंने केस ही डाल रखा है, एक भी नोटिस रिसीव नहीं हुआ इनका। वैसे तब से गायब है, आते ही नहीं कभी भी। कब अरेस्ट हुए ये? आज सुबह रे, आज सुबह होटल ग्रैंड शिवा से अरेस्ट करा इनको पुलिस ने। ये पुराना मामला है फर्जी चेक का और उसमें NBW जारी हुआ था, तो उसके तहत गिरफ्तारी की गई। ये सुनील पात्रा है, पूर्व CEO है पतंजलि के, और उनके संबंध में ये NBW जारी हुआ था जिसको तामील करते हुए गिरफ्तारी की गई। फिलहाल तो अभी यही है, बाकी देखा जा रहा है। NBW है कोर्ट में प्रोड्यूस। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ विश्वविद्यालय में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही बोला कि भाई तो दूर, यहाँ खेल का भी कोई स्तर नहीं रह गया है, इससे विश्वविद्यालयों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। प्रशासन की बुद्धि शुद्धि की यजी को पूर्णाहुति की ओर जो है सो ले सकते हैं। 350 की 300 कर्मचारी आज नींद में है। आज छात्रों के बारे ना सोशल एक्टिविटीज हो रही है, ना कोई प्रेरणा स्रोत काम हो रहा है। यहाँ हमने जब चुनाव लड़ा था तो हमने यहाँ छात्रों से वादे करे थे कि हम आपको टूर पे ले जाएंगे, अच्छा सा हर्षोल्लास के साथ यहाँ फेस्टिवल हुआ करेंगे, हर फेस्टिवल बनेंगे। तो आज ना यहाँ स्पोर्ट्स की तरफ, यहाँ
आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एक खेल की उससे माना जाता है, एक खेली की यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि आज यहाँ इस यूनिवर्सिटी में ये खेल होते हैं। आज खेल का आनंद सिर्फ बीपीएड और एमपीएड के छात्र ले रहे हैं, ना बीएससी का, ना बीबीए का, ना बीए का किसी चीज़ का छात्र ले रहा है। तो आज हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ इसलिए करा है कि जितना भी प्रशासन हमारे नींद में है ये सब उजागर हो, नींद से बाहर आए, और इस यूनिवर्सिटी में 5000 स्टूडेंट है, 5000 की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो। आज कुलपति जी हमारे कार्यालय में जाते हैं बेचारे, उन्हें सूचना ही नहीं है कि इतने छात्र यहाँ आ रहे हैं, कितने छात्र नहीं आ रहे हैं। आज आप देखते होंगे यूनिवर्सिटी में बिल्कुल छात्र नहीं है हमारे, बीएससी क्लास अधूरी है, बीए की क्लास अधूरी है, बैठने की जगह नहीं है, खेलने कूदने का जहाँ सामान अवेलेबल नहीं हो सकता छात्रों के लिए। इस प्रकार हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ करा है, और मैं छात्रों को वादा करके था कि आज हम यहाँ सारे हर्षोल्लास के साथ फेस्टिवल हुआ करेंगे, खेल की तरफ ध्यान बढ़ेगा, सबकी तरफ ध्यान बढ़ेगा सबका। तो ये आज मेरे इसलिए हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ कराया आज। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में बीते कई सालों में बहुत सारे लड़के आते हैं यहाँ पे, और हमारे मैं बीटेक डिपार्टमेंट से हूँ। वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि बीटेक डिपार्टमेंट यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। वहाँ के बच्चों को यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे एक्टिविटी नहीं होती है कि वहाँ के बच्चे यहाँ पे आएं और पार्ट जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सहयोग दें। तो इसके लिए हम लोगों ने ये आज शुद्धि बुद्धि यज्ञ रखा है, जो इससे ये है कि गुरुकुल प्रशासन जागे, हमारी बातों को सुने, और जो भी कार्यक्रम होने चाहिए नहीं करवाते हैं ये, वो उस पर और भी बच्चों को भी बुलाया जाए। जैसे कि हम लोग का जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, वहाँ से बीटेक के लड़के किसी भी कार्यक्रम में सहयोग देना चाहते हैं परंतु यहाँ पे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये जो भी हम लोग के सह सचिव कुलपति हैं ये सब सोए हुए हैं, और अभी यूजीसी की टीम आई थी उसमें लगे हुए थे, उसके बाद ये लोग दिख भी नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये काम ऐसा हमने कराया है, पैसा खर्च हुआ है। और ये हम जितना पैसा हम लोग का आता है यूनिवर्सिटी में सब बच्चों के लिए ही है, बच्चों के लिए यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा। और आगे भी बहुत सारे काम हैं जो जिस पे हम लोग सोच रहे हैं कि अगर ये लोग नहीं कराते हैं तो हम लोग आंदोलन करके सभी बच्चों के साथ इनसे बात रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, अगर बात नहीं मानते हैं तो उग्र आंदोलन करा जाएगा, जिसके जिम्मेदार यही स्वयं होंगे। ये थी उत्तराखंड के हरिद्वार से नंदा गुप्ता की रिपोर्ट, आप देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी।